तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल का और एक ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, मैं आया था अपना जो दोस्त है, खास दोस्त, उसके घर। और दोस्तों, आने के बाद उसने बोला है कि चल थोड़ा जो मेला है उस मेले से घूम के आते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे गाँव से नज़दीकी में एक छोटा सा मेला हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, जो मेला है उस मेले से घूम के आते हैं। तो दोस्तों, मेला में क्या क्या होता है वो सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, वो जो मेला है वो मेला छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा है। और उस मेले में क्या क्या मिलता है, क्या क्या आप लोगों को सब कुछ इस जो ब्लॉग है इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो आप लोग जरूर देखना। दोस्तों, यहाँ पर तो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को ये जो मेला है इस मेले को दिखाने जा रहा हूँ। मेरा जो दोस्त है वो दोस्त पीछे वो खाना खा रहा है, तो इसको खाने देते हैं। और खाने के बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग मेले के लिए निकल जाएंगे। तो दोस्तों, ये देखो मनी बैग, और मनी बैग ही है लेकिन इसमें मनी नहीं है। ये 30 रुपया है ये नोट का, और ये देखो कुछ सिक्का बचा हुआ है और इसमें कुछ नहीं है। तो दोस्तों, खा पी के फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं। और ये मैं आयूँ और ये मेरा दोस्त है, और जाने के लिए दोस्तों करीब करीब और 7 मिनट साइकिल चलाना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जा रहा हूँ तो जो पानी पूरी, फुचका और गोलगप्पा आप लोग जो भी बोलते हो तो वो खाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये देखो यहाँ से जो मेला है वो मेला स्टार्ट होता है। और दोस्तों, ये जो मेला है ये मेला बहुत ही बड़ा है, और मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके और अंदर जाऊंगा। और अंदर जाते जाते दोस्तों, मैं जितना हो सकेगा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, ये जो मेला है इस मेले का एक खास बात है, जो पलंग है ना दोस्तों, वो पलंग भी इस मेले में मिलता है। दोस्तों, हर कोई मेले में जो पलंग है वो पलंग नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों ये जो मेला है ये खास इसलिए है कि दोस्तों इसमें जो पलंग है वो पलंग भी मिल जाता है सोने के लिए। और वो पलंग दोस्तों बिना पॉलिश के मिलता है, तो इसलिए दोस्तों जो दाम होता है यानी कि दोस्तों जो रेस होता है वो बहुत ही सस्ता है। और दोस्तों ये देखो, ये है राजस्थानी कुल्फ़ी, और ये राजस्थानी कुल्फ़ी एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। तो आप लोग देखो कि राजस्थानी जो कुल्फ़ी है ये कुल्फ़ी कैसे मेक होता है, यानी कि दोस्तों कैसे तैयार होता है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। हाँ, बोल सकते हो कि जैसे जो फूड ब्लॉगर है वो फूड ब्लॉगर जैसे आप लोग बोल सकते हो। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर देखो कि यहाँ पर दोस्तों जो राजस्थानी कुल्फी है वो बहुत ही बढ़िया है। ये देखो मलाई दे रहा है अभी ऊपर, और इससे पहले दोस्तों इसके अंदर जो बर्फ है वो बर्फ डाला गया था, और इधर देखो दोस्तों इसके ऊपर मलाई दे रहा है। दोस्तों, ये मलाई एक बार नहीं, वो मलाई कितने बार डाला जाता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 2 बार डाल चुका है। और इसके ऊपर से दोस्तों एक हरे कलर का जो क्रीम है वो क्रीम डाला गया है, और देखो कितना अच्छा दिख रहा है। और दोस्तों, इसके ऊपर से और एक क्रीम आएगा, आप लोग ये देख सकते हो। देखो दोस्तों, इसके ऊपर से और एक क्रीम आ रहा है, उस क्रीम का जो कलर है वो कलर आप लोग देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया कलर है। और एक कलर है रेड, और आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है जो लाइन है इस लाइन के ऊपर से इस क्रीम को देखने में, दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दोस्तों, इसका प्राइस भी बहुत ही बढ़िया है तो मैंने सुना था। तो दोस्तों, ये देखो ये क्या है, ये जलेबी है, मेले का सबसे खास चीज़ जलेबी। और दोस्तों देखो जलेबी कैसे बना रहा है अभी यहाँ पर, कुछ ऐसे 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 गोल गोल घुमा घुमा के जो जलेबी वो जलेबी बना रहा है। और दोस्तों, इसके अलावा अभी मेले में बहुत कुछ है। ये देखो बालू के अंदर जो मूंगफली है वो मूंगफली पका रहा है, और ये देखो मूंगफली है। यार दोस्तों, जो मेले में जो जो खाने का चीज़ मिलता है वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको आप लोग पवन चक्की बोलते हो। यार दोस्तों, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन दोस्तों जो पवन चक्की है मुझे लगता है यही ठीक है। दोस्तों, इसको बंगाली में नागौर दोलना बोलते हैं। तो दोस्तों देखो, इसके साइड में इस एकदम बगल में बच्चा पट्टी के लिए उछल कूद करने के लिए दोस्तों एक एयर टाइप का कुछ है, तो इसके ऊपर उठ के जो बच्चा पट्टी है वो उछल कूद कर सकता है। ठीक उसके बगल में दोस्तों देखो एक नाव है, ये दोस्तों देखो इसमें भी जो बच्चा पट्टी है वो बच्चा पट्टी लोग ही यहाँ पर ज़्यादातर बैठते हैं। लेकिन दोस्तों और भी सारा कुछ है, और मैंने बताया था कि पलंग है इस जो मेला है इस मेले में। दोस्तों देखो, ये सब बच्चा पट्टी के लिए, यानी कि दोस्तों जो चिल्ड्रेन है वो चिल्ड्रेन के लिए। दोस्तों, ये एक खास बात है दोस्तों, ये देखो ये सिंहासन है, तो इस मेले में दोस्तों सिंहासन भी मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि फेस किधर गया है, ब्लॉग वीडियो में फेस नहीं दिखा रहा हो तो ब्लॉग कैसे होगा। तो दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो ड्यूटी है वो ड्यूटी का SMS आ चुका था, तो मैंने मेरे एक दोस्त को बोला था कि तू वीडियो क्लिप शूट करके लेके आ, तो वही चलेगा। तो दोस्तों देखो, ये चारपाई है, और दोस्तों ये देखो ये पलंग है। दोस्तों, इतना अच्छा पलंग सिर्फ पॉलिश करने में बाकी है, नहीं तो दोस्तों ये जो पलंग है मैंने इसको रेस पूछा था दोस्तों, इन लोगों का जो मूव वाला रेट है वो है
18,000 रुपया। लेकिन दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो पलंग है, इस पलंग का 18,000 रुपया रेस पे यानी कि दोस्तों जो प्राइस है वो प्राइस नहीं है, इससे बहुत ही कम है। लेकिन दोस्तों क्या है, मुझे मालूम है कि इसका प्राइस कितना है। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना सुंदर पलंग है। सिर्फ दोस्तों इसके ऊपर जो पॉलिश है वो पॉलिश करना बाकी है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि जो पलंग है, पलंग बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों आप लोगों के साथ मुलाकात होगी अगले एक ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग यहाँ पर जो पलंग है वो पलंग देख सकते हो, सिर्फ पॉलिश करना बाकी है। दोस्तों अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ये जो पलंग है ये पलंग ज़रूर खरीद के लेके आता।